कैसे हो आप लोग? कल के वीडियो में आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि मुझे तुरंत ही एनर्जी आया और मैंने कहा फिर से वीडियो बनाते हैं। आप लोगों का जो लाइक होता है ना, सबसे ज्यादा इम्प्रेसिव करता है कि मतलब सारा काम छोड़ के लगता है कि आप तक पहुंचूं, क्योंकि आपके लाइक्स इतने ज्यादा हमें मोटिवेशन देते हैं। सो प्लीज पहले तो लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही अच्छा है। कौन स्ट्रक्चर इंजीनियर बन सकता है? सिविल इंजीनियरिंग का ऐसा कोई लड़का नहीं होगा जिसको इस प्रोफाइल में जाने का ड्रीम न हो। हर एक स्ट्रक्चर लड़का क्या करना चाहता है? स्ट्रक्चर इंजीनियर बनना चाहता है। क्यों? व्हाइट कॉलर जॉब है, थोड़ा माइंड वाला जॉब है, थोड़ा रिस्पेक्टेड वाला जॉब है। हर कोई चाहता है कि मैं स्ट्रक्चर इंजीनियर बनूं। कौन कौन बन सकता है इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लाइक जरूर करिएगा, जिससे कि आगे और डीप में समझाऊंगा मैं इसको एक एक करके। चलिए, बाइक आप चलाते हो, कार चलाते हो, आपको पता होना चाहिए कि बाइक और कार आपको तब तक रोड पे नहीं चलाना चाहिए जब तक आपके पास लाइसेंस न हो। समझ रहे? क्योंकि फिर पुलिस वाले मामा पकड़ेंगे तो आपकी बैंड बजाएंगे, या फिर आप फिर ले लो भैया इतना ले लो जबरदस्ती ऐसे कैसे करोगे। तो ये ना करना पड़े इसके लिए आपके पास एक लाइसेंस होना चाहिए, करेक्ट? तो जब आपके पास लाइसेंस होता है तो आप गाड़ी आराम से रोड पे चलाते हो, कोई मना करता है क्या? नहीं। आप क्या बोलते हो, फोर व्हीलर लेते हो तो रोड टैक्स आप देते ही हो, आप चलाओ आराम से। ऐसे ही स्ट्रक्चर इंजीनियर भी आप बन सकते हो, और आप अपना लाइसेंस लेके कहीं पर भी आराम से घूम सकते हो और आराम से फ्रीलांसिंग काम, या फिर अपनी छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन खोल के, या फिर एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन खोल के आप अपना काम कर सकते हो। बट कौन कौन स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का लाइसेंस पा सकता है? तो मैं आपको बता दूं, BBTech, MEMTech और PhD, ये तीनों पा सकते हैं स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का लाइसेंस। कुछ स्टेट्स में डिप्लोमा को भी अलाउ किए हैं, बट उसका थोड़ा सा अलग रूल है। चलिए बात करते हैं बी और एमई के लिए, मतलब बीटेक और एमटेक के लिए, मतलब बैचलर्स डिग्री के लिए। तो भैया बैचलर डिग्री में अगर आपने है तो आपके पास 3 ईयर का स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट के पास स्ट्रक्चरल कंपनी में एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी प्रोफाइल में। किसी प्रोफाइल मतलब स्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोफाइल, स्ट्रक्चर ड्राफ्टमैन आप हो सकते हो, क्योंकि स्ट्रक्चर इंजीनियर तो बनाएगा नहीं आपको, स्ट्रक्चर ड्राफ्टमैन स्ट्रक्चरल फॉर्म है उसमें आप काम कर रहे थे। 3 ईयर्स तक अगर आपने काम किया है तो एक बैचलर डिग्री वाला लड़का रजिस्टर्ड कर सकता है अपने आप को एज अ स्ट्रक्चर इंजीनियर। और इसके साथ अगर आपने एमटेक या एमई कर रखा है तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको थोड़ा सा और डिलाई मिल जाती है। क्या डिलाई मिल जाती है? आपको सिर्फ 2 ईयर की एक्सपीरियंस होती है, 2 साल का एक्सपीरियंस लेके आप रजिस्टर कर सकते हो खुद को एज अ स्ट्रक्चर इंजीनियर। ओके, क्या बात है, फिर तो फायदा हुआ। नहीं, एक मिनट और रुको। अगर आपने डॉक्टरेट कर रखी है यानी PhD कर रखी है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर का एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है स्ट्रक्चर का लाइसेंस लेने के लिए। मतलब एक्सपीरियंस सबको चाहिए। ऐसे दे दिया, पता चला आप थ्योरी पढ़ के गए, वहां पे सिर फोर्स निकाल के गिरा रहे हो बिल्डिंग, तो नहीं दे सकता कोई। ठीक है, तो बीटेक वाले को भी चाहिए, एमटेक वाले को भी चाहिए और पीएचडी वाले को भी, तीनों को भी एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है जी, चलिए। अब कुछ स्टेट्स के थोड़े थोड़े रूल वेरी करते हैं, जैसे कि कुछ स्टेट्स में बीटेक वालों के लिए 5 ईयर के लिए एक्सपीरियंस रखा है। ओके, ये रजिस्टर्ड कहाँ करना पड़ता है? ये बड़ा कंफ्यूजन होता है ना, कि ठीक है मैंने सुन लिया कि हाँ ऐसे ऐसे हो जाता है, ठीक है रजिस्टर्ड कहाँ करना पड़ता है, क्या उसकी फी होती है, चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, एक एक्ट है गवर्नमेंट की तरफ से, रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट स्ट्रक्चर इंजीनियर्स, ऐसा एक एक्ट है जिसके अंडर ये आपका रजिस्ट्रेशन होता है। अब इस रजिस्ट्रेशन के लिए किस कहां पर करते हो आप? ISE में करते हो, यानी इंस्टीट्यूशन ऑफ स्ट्रक्चर इंजीनियर्स, वहां पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। आपके परिचय में अगर कोई सी हो तो उसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप खुद से भी कर सकते हो इंस्टीट्यूशन ऑफ स्ट्रक्चर इंजीनियर्स पे अप्लाई करके। तो भैया इसकी फी क्या होती है, कितना रुपए लेके इसके अंदर एंट्री मिलती है? तो इसका फी वन टाइम है, कितना लगता है? 10,000 रुपीज लगता है, 10,000 रुपए लगता है स्ट्रक्चरल इंजीनियर के लाइसेंस का फी। ओके, 10,000 रुपए देना पड़ता है, अपना एक्सपीरियंस सबमिट करना पड़ता है, अपनी डिग्री सबमिट करनी पड़ती है। बीटेक के लिए डिग्री फर्स्ट क्लास इंपॉर्टेंट है, एमटेक का मुझे नहीं पता इसलिए मैं नहीं बोलूंगा। बीटेक का मैंने क्या बोलते हैं मुझे पता है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि उनका फर्स्ट ईयर का फर्स्ट डिवीजन कंपल्सरी है। एमटेक में भी मे बी फर्स्ट होगा, बट आई एम नॉट श्योर, सो आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो ये था आपका स्ट्रक्चर। कुछ स्टेट्स अलाउ करते हैं
आपको अगर आप डिप्लोमा हो तो भी, लेकिन उसके लिए 10 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगते हो, कितने साल का, 10 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगते हैं। सो बेटर कि मैं आपको बोलूंगा कि आप बी कर लो और बी के थ्रू आप इजिली लाइसेंस, बी या बीटेक कर लो, इसके थ्रू इजिली आप लाइसेंस पा पाओगे। तो ये थे रूल्स और रेगुलेशंस, ठीक है, जो कि आपको आईएससी यानी इंस्टीट्यूशन ऑफ स्ट्रक्चर इंजीनियर्स के अंदर जाके रजिस्टर करके आप अपना एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स का टैग ले सकते हो रजिस्टर्ड तौर पे इंडिया में। ये इंडिया का रूल है, ठीक है, बाहर के कंट्री का भी चाहिए तो बता देना, कुछ वहाँ के रूल्स अलग अलग है, ठीक है। इंडिया का रूल थोड़ा अलग है, वहाँ के रूल में कई टेस्ट देने पड़ते हैं, अगर फेल हो गए तो नहीं देते हैं वो लाइसेंस, ऐसे भी यूएस वगैरह के रूल है, अगर आपको चाहिए तो बताओ, वहाँ कहीं बता देंगे। चलिए, अब ये लाइसेंस लेने के बाद आपको फायदे क्या होंगे, लाइसेंस लेने के बाद आपको फायदे क्या होंगे, तो भैया फायदे बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अगर आपका गवर्नमेंट का कोई भी प्रोजेक्ट है तो अगर आपके पास ये आईएससी का रजिस्टर्ड लाइसेंस नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो उनके प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है, उनके प्रोजेक्ट्स आपको नहीं मिलने वाले हैं, चाहे फिर वो कलवर्ट की डिजाइन हो, चाहे फिर वो बिल्डिंग का डिजाइन हो, किसी का हो, आपके पास स्ट्रक्चर इंजीनियर का लाइसेंस होना चाहिए तभी आप फॉर्म भर सकते हो उनके टेंडर्स के लिए। अब इसके साथ दोस्तों ये भी कंपलसरी है कि अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो और अगर आप जॉब प्रेजेंट कर रहे हो तब आप लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, खास तौर से गवर्नमेंट जॉब अगर आप कर रहे हो तो बिल्कुल भी आप लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। और इस लाइसेंस के फायदे और क्या है, आप इस लाइसेंस के थ्रू अपने नीचे कई ढेर सारे प्रैक्टिस के लिए लड़के रख सकते हो। अगर आप विदाउट लाइसेंस प्रैक्टिस के लिए लड़के रखे हो ये इनलीगल है, हटा दो, क्योंकि पकड़े जाओगे तो फंस जाओगे, ठीक है, इंडिया है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए और लाइक ये लीगल नहीं है, सो प्लीज उनको हटा दीजिए। और अगर आपके पास आईएससी का लाइसेंस है तभी, और जो बच्चे प्रैक्टिस करने के लिए स्ट्रक्चर इंजीनियर खोज रहे हैं वो भी ध्यान रखें कि अगर उन जिसके अंडर में प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके पास आईएससी का लाइसेंस नहीं है, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्ट्रक्चर इंजीनियर्स का लाइसेंस नहीं है, तो आपका एक्सपीरियंस वैलिड नहीं माना जाएगा। जब आप कल रजिस्ट्रेशन के लिए जाओगे तो वहां पर बोला जाएगा गेट देखा है चलो, ठीक है, तो ऐसा ना हो इसके लिए इस चीज का ध्यान देना दोस्तों। और भी कई ये जो मैंने 10,000 फी बताई ये लाइफ टाइम के लिए होती है, याद रखना ये लाइफ टाइम के लिए होती है, बार बार फी नहीं देनी पड़ती है स्ट्रक्चर इंजीनियर्स के ग्रुप के लिए। उसके साथ ही साथ आप कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उस प्रोजेक्ट में आपको, क्योंकि आपको क्या करना पड़ता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, एनओसी देना पड़ता है आपको, ठीक है, एनओसी देते टाइम आपके पास स्टैंप मारने, स्टैंप मारने से पहले आपके पास अधिकार होना चाहिए, जैसे स्ट्रक्चर इंजीनियर आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। दोस्तों ये वीडियो, ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ ना, कोई नहीं बताएगा, ठीक है, सब यही बताएंगे कि साइट पर ये रिमार्क कैसे चेक करेंगे, ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे, ठीक है, क्यों नहीं बताते, कि कोई भी अपना कंपटीटर नहीं तैयार करता मार्केट में। तो मेरे इस काम के लिए थोड़ा अप्रिसिएट करके, थोड़ा शेयर करके मुझे हौसला दीजिए। और अगर आप और डीप में जानना चाहते हो पर्टिकुलर किसी स्टेट के बारे में, ज्यादा कमेंट आए हर एक स्टेट के तो बोलेंगे तो आप उसको उस स्टेट के अकॉर्डिंग में आपको बता दूंगा कि अच्छा ठीक है, मान लो दिल्ली का, मान लो यूपी का, मान लो बिहार का, मान लो पंजाब का, आपको किसी एक पर्टिकुलर स्टेट का भी आपको एग्जैक्टली चाहिए तो बता देना, उसके बारे में बता देंगे। बट जो जनरल इंडिया का रूल है वो मैंने आपको बता दिया आईएससी का रूल। इसके अलावा अगर आप कंपनी खोल रहे हो, जैसे कि यूनिक कंस्ट्रक्शन कंपनी मैंने खोला हुआ है, ठीक है, यूनिक सिविल मैंने खोला हुआ है, मेरा ये दोनों रजिस्टर्ड है, ठीक है, इसके लिए ऑडिट होता है हर महीने, हर महीने मैं अपने सीए को ऑडिट चार्ज देता हूं और वो ऑडिट करता है कितना रिटर्न और कितना हम हमारा मार्केट से आ रहा है, कितना हमारी सेल्स हो रही है, सेल्स के अकॉर्डिंग कितना प्राइस, लगभग 9,00,000 रुपए के ऊपर अगर आप जा रहे हैं तो आपको टैक्सेस देना पड़ता है। तो वो सब भी अगर आप जानना चाहते हो, क्योंकि मैं कर रहा हूं तो प्रैक्टिकली आपको बता सकता हूं कि हाँ भाई आपको एप्रोप्रिएट लाइसेंस लेना चाहिए, कि फ्रीलांसिंग का लाइसेंस लेना चाहिए कंपनी खोलने के लिए, या फिर पार्टनरशिप खोलना चाहिए, क्या इन सब चीजों के बारे में इंटरेस्टेड हो क्या? मुझे लगता नहीं, इसलिए मैं नहीं इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वीडियो भी बहुत बड़ी बन जाएगी। और अगर आप चाहते हो कि ये थोड़ा सा कंपनी कैसे खोलते हैं इसके बारे में बताऊं, ये जो मैंने बताया ये इंडिविजुअल स्ट्रक्चर इंजीनियर आप बन सकते हो, आपके अंडर में लड़के रख सकते हो। बट अगर आप इस चीज को प्राइवेट लिमिटेड करना चाहते हो या फिर इसको एप्रोप्रिएट लाइसेंस पे काम करना चाहते हो, ऐसा कुछ अगर आपको जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट करिए, या फिर कैसे अप्लाई करना है क्या ये भी जानना चाहते हो तो भी बताइए कि कैसे अप्लाई करना है सर ये बता दीजिए। तो मेरे इस काम को थोड़ा अप्रिशिएट करिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कल की वीडियो ने मुझे एनर्जी दे दी और जिसने भी यहाँ तक देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। एक छोटा सा आप लोग को और काम करना पड़ेगा, मेरा जो आकाश पांडे ब्लॉग वाला चैनल है उस चैनल को आप थोड़ा सा और बूस्ट करवा दीजिए। क्यों? क्योंकि उस चैनल पे मैं थोड़ा भी बाहर की दुनिया में जाने वाला हूँ, कुछ स्ट्रक्चरल फर्म्स पे जाने वाला हूँ, कुछ स्ट्रक्चर इंजीनियर्स के पास जाने वाला हूँ और उनसे बात करने वाला हूँ। मेरी कुछ मतलब माइंड में कुछ प्लान्स है जो एक करके बताऊंगा आपको, प्लस
मैं कई कई जगह घूमना चाहता हूँ, वहाँ के जो नए नए स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको भी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ एज अ ब्लॉगर। ठीक है, अभी तक ब्लॉगर बहुत आपने देखे होंगे जो सिटी को दिखाते होंगे कि देखो यहाँ पर ये है यहाँ पर ये है। मैं सोच रहा हूँ बिल्डिंग्स को दिखाऊँ, मैं सोच रहा हूँ कि स्ट्रक्चर्स को दिखाऊँ। थोड़ा यूनिक आइडिया है मेरे माइंड में, अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स, क्योंकि डेफिनेटली मैं अपना काम छोड़ के जाऊँगा, मेरा काम पर्याप्त है मेरे पास, तो काम छोड़ के जाऊँगा तो कुछ ना कुछ मोटिवेशन चाहिए। तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आकाश पांडे ब्लॉग चैनल को अगर आप सपोर्ट करते हो तो बाहर के जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं मैं उनके सर्वे वहां पे जाके प्रैक्टिकली आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। देखो इन्होंने डिजाइन कर दिया, क्या क्या चीजों को ध्यान दिया है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।